हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था अबाउट रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंशियर्स के बेसिक चीज़ों के बारे में अगर हम रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंशियर्स की बेसिक चीज़ों को समझ लें तो हमें क्वेश्चन सॉल्विंग काफी सिंपल हो जाएगा तो इसके लिए अगर आपने पिछला सेशन अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछला सेशन पहले देखें बिकॉज आज हम सीधे नंबर्स के साथ देखने वाले हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरीके से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और कैसे जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है तो जो हमने लास्ट सेशन में चार स्टेप्स के बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि हम यूजुअली चार स्टेप्स को इस चैप्टर में अगर ध्यान रखें या फॉलो करें तो आपका जितना भी कैलकुलेशन है वो सही हो सकता है एंड चार स्टेप्स हमारे कौन से कौन से थे तो हमारा सबसे पहला स्टेप था रिडम्शन ड्यू का तो हमने पहला स्टेप सीखा था रिडम्पशन ड्यू का आज मैं आपको नंबर्स लिख के जर्नल एंट्रीज करके बताऊंगा कि कैसे आपको इसमें एंट्री करनी है दूसरा स्टेप हमारा होता है एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम तो दूसरा स्टेप है हमारा एडजस्टिंग प्रीमियम तीसरा स्टेप हमारा होता है क्रिएटिंग सी का एंड फोर्थ स्टेप हमारा होता है सेटलमेंट या पेमेंट का तो आप कोई भी क्वेश्चन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का निकाल के देख सकते हैं इन चार एंट्रीज के सिवा और जो भी एंट्रीज आपको आती है वो सारी की सारी एंट्रीज एडजस्टमेंट्स फ्रेश इश्यू इन्वेस्टमेंट सोल्ड बोनस शेयर्स वही होती है तो कोई भी क्वेश्चन में ये चारों एंट्रीज आपको करनी पड़ती है तो दैट इज वाई दिज आर द बेसिक एंट्रीज ऑफ द टॉपिक एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद हाउ टू राइट दिस एंट्रीज या हाउ टू राइट अमाउंट इन दिस एंट्रीज तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी सिंपल है तो सीखते हैं कैसे इस चैप्टर में आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है तो अभी तक आप अगर वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक दबाइए बिकॉज एल्गोरिज्म जो है यूट्यूब का वो ये वीडियो को ज़्यादा प्रमोट करेगा और सभी लोगों को इसमें से सीखने मिलेगा तो सबसे पहली सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन में देखना है बैलेंस शीट में देखना है और हम एक रैंडम अमाउंट्स लेते हैं ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाए तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में नाइन परसेंट प्रेफरेंस शेयर आपको दिया है फॉर एग्जाम्पल में अमाउंट ले रहा हूँ और वो अमाउंट दिया है फाइव लाख रुपीज का जो भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं आप अपने पास देखिए क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में प्रेफरेंस दिया रहेगा और एक बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में मैं अमाउंट ले लेता हूं आपको इक्विटी शेयर कैपिटल भी दिया है और इसका भी फेस वैल्यू हंड्रेड है और इसका भी फेस वैल्यू हंड्रेड है और इसकी अमाउंट आपको दी है टू लाख रुपीज की फिर हमारे क्वेश्चन में से फॉर एग्जांपल हमको जनरल रिजर्व जो है जनरल रिजर्व की अमाउंट हमको दी है टू लाख रुपीस जनरल रिजर्व की अमाउंट टू लैक्स दी है और एक रिज़र्व ले, ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसकी अमाउंट हमको दी है वन लाख रुपीस सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको ओवरऑल एक चार जो जनरल एंट्रीज होती है वो कैसे करनी है वो हम सीख पाए तो मैंने आपको सिखाया था कि हमें सबसे पहले सी आर आर कैल्कुलेशन करना पड़ता है तो काफ़ी सिंपल होता है सी आर आर कैलकुलेशन कि सी आर आर कैसे कैलकुलेट होता है एक और एक चीज़ यहाँ पे ले सकते हैं हम फ्रेश इशू भी आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया है एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेश इशू आपके क्वेश्चन में अमाउंट एडजस्टमेंट में दिया है समझो आप फ्रेश इशू दो लाख रुपया कर रहे हैं कितना कर रहे हैं फ्रेश इशू दो लाख रुपया कर रहे हैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ रैंडम अमाउंट्स मैंने लिए हैं एग्जांपल से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो अभी हम क्या करेंगे सी आर आर कैलकुलेशन करना सीखेंगे सी आर आर कैसे कैलकुलेट होता है पहले फार्मूला लिख लेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन व्हाट इज द फॉर्मूला फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन मेरे साथ साथ आप लिख भी सकते हैं अगर आपको कुछ भी चीजें नहीं आती है तो ये नोट्स बनाइए आपका काफी ज्यादा इससे हेल्प हो पाएगा फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन में से हमें क्या माइनस करना है हमें फ्रेश इशू माइनस करना है व्हाट वी हैव टू डिडक्ट फ्रेश इशू वी हैव टू डिडक्ट तो फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन का मतलब क्या होता है प्रेफरेंस की वैल्यू ठीक है फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन का मतलब क्या होता है प्रेफरेंस की वैल्यू तो प्रेफरेंस की वैल्यू हमारी कितनी है प्रेफरेंस की वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने लिखी है प्रेफरेंस की वैल्यू है फाइव लाख रुपीज़ तो हम यहाँ पे ले लेंगे फाइव लाख रुपीज प्रेफरेंस माइनस फ्रेश इशू की वैल्यू कितनी लिखी है मैंने यहाँ पे फ्रेश इशू की वैल्यू हमने ली है टू लाख रुपीज तो हम क्या करेंगे फाइव लाख में से टू लाख को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा थ्री लाख एंड दिस थ्री लाख इज कॉल्ड एज यूअर सी आर आर तो सी एकदम सिंपल तरीके से ढूंढना आपको आ गया होगा काफी सिर्फ आपका अमाउंट अलग हो जाएगा चलो अभी मैं इसको करता और यहाँ पे लिखता हूं ताकि आपको और और पता चल पाए कि मैं अभी इसकी जरल एंट्री जो है वो कैसी कर रहा हूँ तो जरल एंट्री हमें कैसी करनी है वो अभी हम सीखेंगे और उसके बेसिस पे प्रेजेंटेशन भी सीख लेंगे जैसे मैंने आपके साथ बात की कि हमको सबसे पहली एंट्री कौन सी करनी पड़ती है रिडम्पशन ड्यू की ठीक है चार स्टेप हम करने वाले चार स्टेप फ्रेश इशू ऊपर नीचे एंट्री हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं अभी हम आज के इसमें सीखेंगे पहले चार स्टेप्स कैसे करते हैं तो चलो पहली स्टेप स्टेप नंबर वन कौन सा होता है हमारा स्टेप नंबर वन होता है रिडम्पशन ड्यू चलो रिडम्पशन ड्यू की एंट्री करते हैं नाइन परसेंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ठीक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एक एग्जांपल लेते हैं मैंने इधर प्रीमियम लिया नहीं अभी आपके एडजस्टमेंट में समझो दिया है प्रीमियम या फिर एडजस्टमेंट में दिया है पार तो अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी हम ये क्वेश्चन को पार में सॉल्व करते हैं कि पार दिया है पार दिया है तो क्या करोगे आप पार दिया है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा नाइन परसेंट प्रेफरेंसर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंसर होल्डर्स अकाउंट तो आप कहेंगे सर आपने सिखाया लास्ट लेक्चर में कुछ अलग आपने बोला प्रीमियम ऑन रिडम्शन भी करना है डेबिट लेकिन वो कभी करना है जब आपका प्रीमियम दिया होगा कि बोला होगा टेन परसेंट प्रीमियम मैंने अभी फिलहाल पार लिया है प्रीमियम वाला भी एग्जांपल हम लेंगे डोंट वरी अबाउट इट तो अमाउंट कैसे लेना है अमाउंट आपको कितना लेना है का अमाउंट लेना है तो मैंने फाइव लैक्स यहाँ पे डेबिट साइड लिख दिया और सिमिलरली फाइव लैक्स हमने क्रेडिट साइड लिख दिया ठीक है अभी आपके स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू क्या होता है स्टेप नंबर टू होता है एडजस्टिंग प्रीमियम लेकिन आपके इस एंट्री में प्रीमियम आया ही नहीं तो हमारा स्टेप नंबर टू जो है वो होगा ही नहीं मतलब आपको क्या याद रखना है जब भी पार रहेगा तब स्टेप नंबर टू जो होता है एडजस्टिंग प्रीमियम का वो नहीं होता है तो अभी हमारा स्टेप नंबर वन भी हो चुका है स्टेप नंबर भी हो चुका है अगर हमारा स्टेप नंबर वन और टू हो चुका है तो हम अभी चलते हैं स्टेप नंबर थ्री में तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ ये इरेज इसलिए कर रहा हूं कि आपको ये पता चले कि अमाउंट आपके सामने क्लियर रहे तो दैट इज वाई वी आर इरेजिंग एंड राइटिंग ऑल दी एंट्रीज तो हमने दो स्टेप कर लिए स्टेप नंबर वन हमारा हुआ स्टेप नंबर टू क्यों नहीं हुआ बिकॉज प्रीमियम नहीं आया हमारा स्टेप नंबर थ्री व्हाट इज द स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर थ्री होता है सीआरआर ठीक है सीआरआर हमने कितना ढूंढा था अगर आपको याद है तो सीआरआर हमने ढूंढा था थ्री लाख रुपीज़ का तो थ्री लैक्स हमारा कैसे आया था फेस वैल्यू जो फाइव लैक्स था फाइव लैक्स में से जब हमने टू लैख माइनस किया था तब हमें सीआरआर आया अभी ध्यान से याद रखना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है सी के लिए हम लोग रिजर्व लेते हैं तो पहला यहां पे जनरल रिजर्व है टू लैख दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अगर तीन लाख आपको सी क्रिएट करना है तो जनरल रिजर्व में आप देखिए टू लैक ही बैलेंस है तो हमको पी एंड एल भी लेना पड़ेगा ऐसे केस में हमको दोनों रिजर्व लेने पड़ेंगे तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी जनरल एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट वी विल बी डेबिटिंग बोथ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हम दोनों को डेबिट करेंगे और फिर हम सी को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हम कितना लेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हम टू लैख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हम कितना लेंगे वन लैख लेंगे और इन दोनों का टोटल हम क्रेडिट साइड लिखेंगे एंड दैट विल बी थ्री लैख रुपीज तो हमारा सी जो है वो क्रिएट हो जाएगा आप कहेंगे सर किसी क्वेश्चन में सिर्फ जनरल रिजर्व लिया होता है किसी क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिया होता है ऐसा क्यों करते हैं अगर आप कोई भी एक रिजर्व लोगे तभी भी चलेगा लेकिन क्या है आपके उस रिजर्व में उतना बैलेंस होना चाहिए जितना आपका सी आर आर है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ हमारा सी आर आर थ्री लैख आया लेकिन हमारे किसी भी एक रिजर्व में थ्री लैख से ज्यादा बैलेंस या थ्री लाख बैलेंस नहीं है तो दैट इज वाई हमने क्या किया हमने जनरल रिजर्व दो लाख लिया हमने एक लाख पी एंडल से लिया ऐसे करके हमने थ्री लाख रुपीज जमा किए तो हमारा थर्ड स्टेप हो चुका है एंड थर्ड स्टेप हमारा क्या था थर्ड स्टेप हमारा था सी आर आर अभी हम जाएंगे हमारे स्टेप नंबर फोर में स्टेप नंबर फोर क्या होता है हमारा सेटलमेंट अब सेटलमेंट की एंट्री काफी सिंपल है सेटलमेंट की एंट्री होती है हमारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट क्या होती है एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और आपको याद क्या रखना है इस एंट्री में अमाउंट कहाँ से लिखना है इस एंट्री में अमाउंट आपके स्टेप नंबर वन से लिखना है तो स्टेप नंबर वन जो था हमारा उसमें अमाउंट कितना लिखा था हमने उसमें अमाउंट था फाइव लाख like रुपीज़ का वही हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपके प्रेफरेंशियल होल्डर्स की स्टेप नंबर वन में अमाउंट रहेगी वही आपको यहाँ पे कॉपी करनी है ये तब तक कॉपी करनी है जब तक कोई की ट्रेसेबल का एडजस्टमेंट नहीं आता है ट्रेसेबल आएगा तो क्या करना है वो भी सिखाऊंगा तो ये हमने कुछ बेसिक एंट्री सीख लिए जो हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किए थे कि कैसे इन एंट्रीज को हमको एंट्री uh, करनी है और इसमें अमाउंट्स लिखनी है आई होप कि अगर आपने अभी तक भी देखा है पिछला सेशन भी देखा है तो आपका ओवरऑल कंसेप्ट रिवाइज़ हुआ है मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि ये वीडियोस से आपको बेनिफिट मिल पा रहा है कि नहीं पा रहा है ये अगर वीडियो से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो ऐसे टाइप के सेशंस में आपके लिए ऑल रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करूँगा हर चैप्टर के प्रोवाइड करूँगा ताकि आपको ओवरऑल इन सेशंस का एग्जाम से पहले काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो पाए अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है और आपको ये प्रोडक्टिव लगा है तो अभी आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए लाइक का बटन दबाइए और इनको जितना आप शेयर करेंगे उतना इसका ये वीडियोस का काफ़ी सारे बच्चों को फायदा हो पाएगा थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाय बाय टेक केयर